मोहम्मद फैसल है, मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रेंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में, और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब होते जा रही है, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पर दिन पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं, यहाँ पर यहाँ हर जगह से धुएं धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं, और एकदम स्थिति ख़राब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है, सब लोग काफ़ी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल है तो सब खत्म हो चुके हैं, बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति ख़राब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए। भारत सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए, जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज़ निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज़ निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, घर वाले बहुत परेशान हैं हम लोग को, प्लीज़ निकाल लिया जाए। देखिए आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं, ये देख लीजिए स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक हो चुकी है। लोग खरीद रहे सामान, पूरे इकट्ठा कर रहे हैं काफ़ी दिन से, हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए। बेटे का नाम मोहम्मद फैसल है, वो इवानो फ्रेंकिस नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और इसी दिसंबर 10 में वो गए थे 2021 में, और पढ़ाई अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये रूस और यूक्रेन का जो ये मसला हो रहा है, इसमें थोड़ा सा बच्चे घबरा रहे हैं, और पढ़ाई तो उनकी सही है, लेकिन अब कल उनकी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासें चालू कर दी हैं। अब अगर वो पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासें चालू रखते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जो किराया बढ़ा रखा है, ये 60-70 हज़ार, वो बच्चे किस तरह से देंगे, तो वो इस किराए को कम करें। बस हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है, और उनके आने का इंतज़ाम करें। अच्छा, आपके बेटे से लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी? मेरी रात, और क्या बताया आपको बेटे ने? मेरी रात 12:30 बजे उससे बात हुई, और वो ये कह रहा है कि अगर वो पूरे सेमेस्टर की हमारी ऑनलाइन क्लासें कर देते हैं, तो हमारा वहाँ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो हम इंडिया आ जाएंगे, बशर्ते कि सरकार फ्लाइटें चलाए, क्योंकि एयरबेस अभी बीच में बंद है, तो उसको प्रॉब्लम है आने में, आने वालों को सबको ही। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रेंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में, और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब होते जा रही है, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पर दिन पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं, यहाँ पर यहाँ हर जगह से धुएं धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं, और एकदम स्थिति ख़राब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है, सब लोग काफ़ी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल है तो सब खत्म हो चुके हैं, बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति ख़राब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए। भारत सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए, जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज़ निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज़ निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, घर वाले बहुत परेशान हैं हम लोग को, प्लीज़ निकाल लिया जाए। देखिए आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं, ये देख लीजिए स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक हो चुकी है। लोग खरीद रहे सामान, पूरे इकट्ठा कर रहे हैं काफ़ी दिन से, हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रेंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में, और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब होते जा रही है, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पर दिन पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं, यहाँ पर यहाँ हर जगह से धुएं धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं, और एकदम स्थिति ख़राब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है, सब लोग काफ़ी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल है तो सब खत्म हो चुके हैं, बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति ख़राब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए। भारत सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए, जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज़ निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज़ निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, घर वाले बहुत परेशान हैं हम लोग को, प्लीज़ निकाल लिया जाए। देखिए आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं, ये देख लीजिए स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक हो चुकी है। लोग खरीद रहे सामान, पूरे इकट्ठा कर रहे हैं काफ़ी दिन से, हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।